मैं प्रधानमंत्री और मोदी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे गलत आदमी का नाम लेने से पाप होता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर, देश की जनता के ऊपर जुल्म ढा रहा है हर तरीके से। कहीं पराली का कानून बनाया, कहीं बिजली का कानून बनाया, और निजीकरण करने के लिए रेलें बेची, बिजली बेची, बंदरगाह बेची, BSNL को बेचा, सिर्फ एक भारी खेती थी जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उस अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा जुल्म करने के लिए काले कानून बनाए। इसके कोने से आए हुए मेरे किसान बुजुर्गों, नौजवान भराओ, मेरी माता बहनों और बेटियों, मैं नतमस्तक होकर के सभी को प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, सत श्री अकाल बुलाता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इन्हीं आज जो है हमारे आंदोलन का 93वां दिन, 3 महीने से ऊपर चले गए हैं, और ये लगातार देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आज का जो दिहाड़ा है बहुत ही अहम दिन है। हमारे इस संसार में, इस देश में बहुत बड़े बड़े गुरु और संत महात्मा हुए हैं, जिन्हें की बदौलत ये देश और ये सृष्टि चली हुई है। ये ऋषि मुनियों की, संतों की और गुरुओं की धरती है, संतों की और गुरुओं की धरती है। आदि के दिन हमारे बहुत ही सम्मानित भगत रविदास का जन्म हुआ, जिन्होंने एक गरीब घर में पैदा होकर के और संदेश दिया कि इस परमात्मा के घर में, इस वाहेगुरु के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी उस परमात्मा के बंदे हैं। और देश के अंदर एक उन गरीब लोगों को जगाने का काम किया। मैं लख लख बधाई आज के दिन उस भगत रविदास को देता हूं, जिन्होंने इस धरती पर पैदा होकर के और इन जिनको शूद्र कहा जाता था, गलत तरह से इनके साथ सलूक होता था, जगाने का काम किया और इस संसार में एक बराबरी का दर्जा दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। उसके बाद में जो ये आंदोलन है, ये उस कड़ी का आंदोलन है जो गुरु गोविंद सिंह ने, भगत रविदास ने, ऋषि दयानंद ने इस संसार के अंदर प्रचारित किया था, उनको जगाया था। और आज भी इसी तरह का देश के ऊपर और इस संसार के ऊपर कहूं मैं, जनता के ऊपर कहूं, ये किसान मजदूर पर
दुकानदारों पर, जिसको किसान आंदोलन कहा जाता था, पंजाब का आंदोलन कहा जाता था, मोदी सरकार जो इसको तार पीड़ो करने के लिए किस तरह के गलत हथकंडे अपनाती थी, उन्होंने अपनाए खालिस्तानी पाकिस्तानी माओवादी अलखवादी किस तरह से प्रचार किया। लेकिन इस वाहेगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि आप लोगों के अंदर एक सोच पैदा की गई कि यह जो सरकार है मोदी की, यह घमंडी सरकार गलत प्रचार करके इन किसानों पर यह काले कानून ला देना चाहती है, कारपोरेट घरानों को, अंबानी और अडानी को, जो किसान मजदूर की खेती है उसको हड़पना चाहती है। हमारे से एक गलती हुई कि इस गलत आदमी को मैं प्रधानमंत्री और मोदी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे गलत आदमी का नाम लेने से पाप होता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर, देश की जनता के ऊपर जुल्म ढा रहा है हर तरीके से। कहीं पराली का कानून बनाया, कहीं बिजली का कानून बनाया, और निजीकरण करने के लिए रेलें बेची, बिजली बेची, बंदरगाह बेची, BSNL को बेचा, सिर्फ एक हमारी खेती थी जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उस अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा जुल्म करने के लिए काले कानून बनाए। मैं आपके माध्यम से, वाहेगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से बता देना चाहता हूं कि ये काले कानून रद्द होंगे, रद्द होंगे, रद्द होंगे। बोले सो न हो। मैं 90 दिन से आपके बीच में आ जाता हूं, छोटे मोटे सबक जो मेरे पास हैं मैं आप लोगों के बीच में साझा करता हूं। लेकिन एक बता देना चाहता हूं, संतोष और सबर के अंदर आप बैठे हुए हो, शांति प्रिय हमारा आंदोलन है, इस आंदोलन को हमारी कामयाबी का प्रतीक है। ये आंदोलन नहीं, ये जन क्रांति बन चुका है। देश के कोने कोने तक, चाहे वो केरला है, चाहे बंगाल है, चाहे आंध्र है, चाहे कर्नाटक है, चाहे तेलंगाना है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे किसी भी कोने में जाए, सिर्फ एक ही बात है, ये आंदोलन कब तक चलेगा और ये काले कानून कब खत्म होंगे, यही चर्चा इस संसार के अंदर और देश के अंदर है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ये काले कानून रद्द होंगे। संयम रखें, सबर रखें, हमारा इम्तिहान हो रहा है, लेकिन परमात्मा वाहेगुरु हमारे साथ है। हमारा आंदोलन जो कि सारे हथकंडे अपनाने के बाद में भी, चाहे 26 तारीख का था, चाहे कोई भी दिन का था, इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए सारे के सारे फेल हो चुके हैं। और कोई हथकंडा अपनाने की कोशिश करे तो कर ले या मोदी,
हम कोई परवाह करने वाले नहीं हैं। किसान मजदूर ये एक बहुत बड़ा जिसको अन्नदाता कहा जाता है, इसका सबर आप भी रोटी खाता है और सारे समाज को रोटी खिलाता है। इसलिए बुजुर्गों कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, चाहे कितना समय लग जाए आपने इसी तरह से जिस तरह हमारे सांझे मोर्चे के नेता जो हमें आदेश देते रहे उसी उन्हीं आदेशों पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक आजाद MLA है, परसों उसके ऊपर 36 जगह छापे मारे गए हैं जो कि हमारे किसान आंदोलन के साथ से कंधा में कंधे बनाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि उस MLA बलराज को जो मैन से विधायक है रोहतक जिला से, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको हमें डराया जा रहा है। लेकिन भाइयों डरने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, काले कानून रद्द कराएंगे, शहीदी देनी पड़ी देंगे, और चाहे ये 6 महीने चले, चाहे 6 साल चले, चाहे कितने ही दिन चले, ये आंदोलन को हम इसी तरीके से शांति प्रिय तरीके से चलाते जाएंगे। हमारा आंदोलन जो कि हमने लड़ा है, हम 99% जीत चुके हैं और जीतेंगे, जीत करके ही वापिस अपने घरों को जाएंगे। जय जनता, जय भारत। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बोलना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन समय का अभाव है, समय थोड़ा है। डिसिप्लिन में चलना, अनुशासन में चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सेक्रेटरी जो स्टेज चला रहा है वो खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हौसला रखते हुए चले, हमारी जीत होगी, हमारा जो है ये काले कानून रद्द होंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जनता, जय भारत।